हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में अपन को 2 बिट्स है, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड बिट। और अपन पिछले वीडियोस में अप टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5/2, वाई इज इक्वल टू -3/4। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बिट है थर्ड क्वेश्चन का। सो पहले फर्स्ट बिट को सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू 5/2 है, वाई का वैल्यू -3/4 है। इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो एक्स का वैल्यू क्या है, 5/2 प्लस माइनस ऑफ 3/4 डिवाइड बाई 5/2 माइनस ऑफ -3/4। ओके, सो 5/2 प्लस इनटू माइनस माइनस 3/4 डिवाइड बाय 5/2 माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस 3/4। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 4s are 20 माइनस 2 3s are 6 2 4s are 8 डिवाइड बाय, इधर भी 5 4s are 20 2 3s are 6 2 4s are 8। ओके, सो अभी देखिए अपन 20 माइनस 6 करेंगे तो आपको 14/8 आएगा, डिवाइड बाय 20 प्लस 6 करेंगे तो 26/8 आएगा। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 14/26 बचेगा, 8 8 कैंसिल हो जाता। सो 7 2 7s are 14 2 13s are 26, सो 7/13 आपको आंसर आएगा। सो दिस इज फाइनल आंसर। ओके, इस तरह अपन को सॉल्व करना है। सो ये फर्स्ट बिट हो गया, अभी अपन को सेकेंड बिट सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड बिट क्या है देखिए, एक्स सेम इसी फॉर्म पे अपन को सब्स्टिट्यूट करना है। वन बाई फोर प्लस 3/2 डिवाइड बाय 1/4 माइनस ऑफ 3/2। ओके, सो 1/4 डिवाइड, ये देखिए माइनस, सो 1 × 2 2 4 3s are 12 4 2s are 8 2 1s are 2 -4 × 3 12 4 2s are 8 2 plus 12 that is 14/8 डिवाइड बाय 2 − 12 that is -10/8। सो इधर भी जब आप डिवाइड करेंगे इस नंबर्स को, आप 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, आपको 14/-10 बचेगा। सो 5 2 2 5s are 2 7s are, सो आपको आंसर आएगा -7/5 फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल वे में अपन इसको सॉल्व किए हैं। ओके, सो अभी अपन इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड 12/7 एंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ -13/7 इंटू -1/2। सो बोल रहा है कि ये दोनों का पहले सम करना है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट इंटू मल्टीप्लाई करना है। ये जो भी वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा, इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। सो बहुत ही सिंपल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर बहुत सिंपल बन जाएगा। ओके, सो डिवाइड द सम ऑफ, ये दोनों नंबर बोल रहा है, सम बोल तो ऐड करना है। सो -13/5 प्लस 12/7 को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो फर्स्ट अपन को इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या आता। सो जब आप 13 × 7 -13 × 7 प्लस 12 × 5 बाई 5 × 7। ओके, सो -7 × 13 आपको हो जाएगा -91। ओके, जब आप सॉल्व करेंगे आपको पता हो जाएगा 91 प्लस 12 5s are 60 5 7s are 35। ओके, सो -91 प्लस 60 करेंगे तो -31/35 आपको सम आया। ओके, ये आपको सम प्रोडक्ट करना है ना, ये सम हो गया है,
अभी अपन को प्रोडक्ट करना है. सो प्रोडक्ट क्या करना है, किसका करना है, दोनों का करना है, माइनस 3/7 इंटू माइनस 1/2. ओके, सो जब मैं प्लस 13/7 इंटू 2 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 13/49. सो अभी ये प्रोडक्ट हो गया, ये सम हो गया. सो अभी अपन को डिवाइड करना है दोनों का वैल्यू और अपन को फाइनल आंसर लाना है. सो डिवाइड कैसे करेंगे अपन, माइनस 31 जो भी सम आया, माइनस 31/35 डिवाइड बाई 13/14. ओके, माइनस 31/35 डिवाइड बाई 14/13. जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपना वैल्यू क्या आएगा, माइनस 31/35 इंटू 14/13 हो जाएगा. ओके, 14/13 हो जाएगा. सो देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, 7 2 7 5. ओके, सो बचेगा क्या, माइनस 31 इंटू 2 5 इंटू 13. ओके, माइनस 31 इंटू 2 जब करेंगे आप, आपको आंसर आएगा माइनस 62/13 5 65. सो ऐसा अपने को माइनस 62/65 इसका फाइनल आंसर है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो इस तरह अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें. ओके, सो अपन इस वीडियो में यहाँ पर ही रोकेंगे, अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए. आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. थैंक यू.